शासन प्रशासन स्तर पर स्वच्छता अभियान को लेकर भले ही लाख दावे किए जा रहे हो, लेकिन आज भी रहवासी प्राथमिक सुविधाओं को तरस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खरगोन के वार्ड क्रमांक 29 से सामने आया है। यहां नालियों की साफ सफाई के अलावा पानी की निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे रहवासी परेशान हो रहे हैं। समय समय पर नगर पालिका प्रशासन ने लोगों को सुविधा देने के नाम पर वादे तो किए, लेकिन धरातल पर आज तक लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब रहवासियों ने नगर पालिका के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। रहवासियों द्वारा बताया गया है कि विगत कई वर्षों से क्षेत्र के बगीचे की स्थिति ठीक नहीं है। इसको लेकर कई बार नगर पालिका के जिम्मेदारों को अवगत करवाया, बावजूद अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। गंदगी के कारण क्षेत्र में मच्छर मक्खी की समस्या भी विकराल रूप ले चुकी है। लोग बीमार होकर अस्पताल तक पहुँच रहे हैं। क्षेत्र में सड़कों की स्थिति भी दयनीय है। जंगली जानवरों की समस्या भी पनप रही है और नपा के इंतजामों की पोल खुल रही है। कॉलोनी वासियों से जल्द समस्या का समाधान नहीं होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। लगा रखी है तो लाइट के जो है पेड़ों की छटाई नहीं होती, तो लाइट बाहर बिल्कुल नहीं आती। रोड जैसा तैसा वैसे ही बना हुआ, जब से उखाड़ पछाड़ हुई तब से वैसे का वैसा ही है। नालियों की हालत भी वैसी की वैसी है। सांप नेवले चूहे दिन भर घरों में घुसते हैं। परेशानी इतनी है कि बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाएं, बच्चों के खेलने की जगह ये जो थी बगीचा, इसको बनाने के लिए पहले भी दो पार्षदों ने जो है बताया और पता नहीं क्या हुआ, उनका बना ही नहीं। आज भी हमने पार्षद से बोला था, बाकी दूसरे कॉलोनियों में सब बगीचे पूरे व्यवस्थित हो गए, रोड़े बन गई, सब हो गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ है। हमारी कॉलोनी में हम मांग ये करते हैं कि बगीचे को डेवलप किया जाए, रोड बनाई जाए, नालियों को व्यवस्थित किया जाए, खाली प्लाटों की व्यवस्थित व्यवस्थाएं की जाए। तो प्लाट खाली है, आप राजेश महाजन आदित्य नगर वार्ड क्रमांक 29। अरे तार ज्यादा प्रॉब्लम है, वो घर है उसका तो ना ड्रेनेज का पानी बाहर ही नहीं जाते, घर के अंदर नाली में से मतलब बाहर आ जाता है पूरा पानी, और बहुत गंदगी, बहुत अत्यधिक गंदगी इस कॉलोनी में। रोड का भी उन्होंने बोला था कि हम बारिश के बाद में काम चालू करेंगे, ना रोड का काम हुआ है, ना डेपर वगैरह लगते हैं, और ना नालियों की साफ सफाई होती है। आप देख सकते हैं गार्डन, ये प्लाट वगैरह, इतनी गंदगी है इस कॉलोनी में, रहना बहुत मुश्किल हो रहा है अब तो। और घर के अंदर आप, घर के अंदर घूस, सांप, नेवले सब अंदर आ जाते हैं। ये 35 साल पुरानी कॉलोनी है, आयुर्वेद कॉलोनी है। हम ये मांग कर रहे हैं कि ये अच्छे से बगीचा बन जाए, कम से कम प्लॉट की तो सफाई हो जाए और रोड बन जाए। हमको रात में भी आने जाने में बारिश हो जाती है तो पूरे गड्ढे भर जाते हैं, ना पता चलता है, बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पे। मेरा नाम शिल्पा नीलेश महाजन है। खरगोन से अब्रार पठान की रिपोर्ट।